अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने स्टार्ट किया था कि रेडियोएक्टिव के रेडियो न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, जो कि हम क्या करते हैं डिफरेंट अपने जो सैंपल्स होते हैं या केमिकल एनालिसिस के लिए जो है हम डिफरेंट रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में तो अच्छा था वो हमने न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की जो टेक्निक थी वो स्टार्ट की थी। आज का जो हमारी टेक्निक है वो हम नेक्स्ट अपनी टेक्निक स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हम इस रेडियोकेमिकल मेथड को जो है वो यूज़ करते हैं डिफरेंट अपने टाइप्स के सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9, रेडियोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट में जो था वो डिस्कस किया था न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस, आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। ठीक है, आज हम ये स्टार्ट करेंगे। आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस जो था जिसपे सबसे पहले काम किया था इंट्रोड्यूस बाय वॉन हेवेसी एंड होफर ने जो था 1934 में इंट्रोड्यूस करवाया, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉन हेवेसी एंड होफर ने इन 1934। अब देखिए, जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस, इट्स मीन क्या है कि हमारे पास जो भी सैंपल होगा हमने उसकी डाइल्यूशन करनी है और देन हमने उसको एनालाइज करना है। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास सैंपल के अंदर मौजूद है लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते। ठीक है, जब हम उसको डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर पाते तो फिर हम क्या करते हैं कोई ऐसी सूटेबल टेक्निक या कोई ऐसा सूटेबल मेथड देखते हैं कि जिसके ज़रिए हम क्या कर सकें कि उन अपने आइसोटॉप्स का या उन हमारा जो सैंपल है उसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको जो है वो एनालाइज कर पाएँ। तो हम क्या कहते हैं कि आइसोटॉप डाइल्यूशन एनालिसिस जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसको हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस होती है हमारा सैंपल के अंदर मौजूद होती है उनकी क्वांटिटी को डिटरमिन करने के लिए जो है वो फाइन यूज़ करते हैं। क्या होता है समटाइम, क्या मैंने जैसे बताया कि हमारे पास सैंपल के अंदर अगर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन या जो भी हमारा सैंपल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम है कि उसको हम डायरेक्ट एनालाइज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर कोई ऐसा आइसोटॉप ऐड करते हैं जिसकी क्या हो सके जिसकी मैक्सिमम केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हो हमारे उस कंपोनेंट के साथ जो हम उसको डिटरमिन करना चाह रहे हैं। ये सेम नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजली रिलेटेड हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा केमिकल सब्सटेंस मौजूद है अगर उसका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप अवेलेबल है तो हम उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की नोन अमाउंट को विद नोन उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ क्या करते हैं हम उसको अपने सैंपल के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, जब हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं बोथ द आइसोटॉप बिहेव द सेम टू एनी केमिकल रिएक्शन, दस दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी केमिकल। अच्छा, सो इफ नॉन क्वांटिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज एडिड टू द सैंपल द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द सैंपल इंक्रीज। तो इस तरह से क्या होता है जो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सैंपल के अंदर कंपोनेंट मौजूद था जिसकी क्या थी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम थी जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हम क्या करते हैं उसके अंदर हम कोई भी मेथड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऐड कर देते और हम क्या करते हैं उसकी रेडियो एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब उसकी रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी फिर हम उसको किसी भी केमिकल मेथड के जरिए क्या कर सकते हैं सेपरेट करके, सेपरेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं उसकी इनिशियल और फाइनल जो रेडियो एक्टिविटी आती है सैंपल की या जो उसकी इनिशियल या फाइनल जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है हमारे यहाँ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने ऐड किया होता है उसको हम क्या करके फाइंड आउट करके हम क्या कर सकते हैं अपना सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट मौजूद होता है हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको मैं मज़ीद आपको बताती हूँ कि किस तरह से क्या होता है। नॉर्मली जो आइसोटॉपिक डाइल्यूशन मेथड होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस और एक होता है इनडायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। अभी जो मैंने आपको बताया वो मैंने डायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस का बताया। टू मेथड्स हैं इसके, टू मोड्स कह लें या टू मेथड्स, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन आता है वो है डायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। फर्स्ट है डायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस, और सेकंड होता है वो होता है इनडायरेक्ट
आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस क्या होता है, और देन है जो है हम इनडायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस, इसको हम, या फिर इनवर्स आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस भी कहा जाता है, इसको हम DIDA कहते हैं। ठीक है, और इसको हम IIDA कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट का वर्ड भी होगा या फिर क्या होगा इनवर्स का, तो इसको हम IIDA भी कहते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे कि डायरेक्ट आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस क्या होता है और किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं। डायरेक्ट आइसोटॉपिक का सोल्यूशन में क्या है, द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस विच रिलाइज अपॉन द एडिशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपोनेंट टू द सैंपल जो के नॉन रेडियो एक्टिव हो। क्या है मेथड का फर्स्ट स्टेप, डायरेक्ट हम देख रहे हैं पहले, इसमें हम क्या करते हैं किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं किसी भी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर, ताकि हम क्या कर सकें उस नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जो कि हमारे सैंपल के अंदर मौजूद है, हम उसकी जो है वो क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकें। क्या फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एडिशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू द सैंपल ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, हमने क्या किया, कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, जो हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेना है वो कौन सा लेना है, हमें ऐसा लेना है जो कि क्या हो सके हमारा जो सैंपल के अंदर नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है या कोई भी सैंपल मौजूद है हमारा, या फिर वो अगर रेडियो एक्टिव फॉर्म में भी है और हम कह सकते हैं कि वो इतनी कम अमाउंट के अंदर है जिसको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हमने क्या करनी है उस एलिमेंट की एडिशन करनी है उस सैंपल के अंदर। ठीक है, और उस जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सेम हम कह सकते हैं कि या फिर क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें कि कोई भी जो है वो हम मेथड को अप्लाई करके हम इसको क्या कर सकें सेपरेट आउट करें, कोई भी कॉमन मेथड हम अप्लाई करके क्या कर सकें दोनों के दोनों एलिमेंट्स को हम सेपरेट करके। इन दिस टेक्निक अ नॉन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज होमोजीनियसली मिक्स विद द नॉन रेडियो एक्टिव एनालाइट। हमने क्या किया कि नॉन रेडियो एक्टिव प्लस जो हमारा सैंपल था उसको मिक्स कर दिया, होमोजीनियसली। ठीक है, होमोजीनियस कर लेना है बिल्कुल उसको। उसके बाद क्या करना है, द एडिड रेडियोएक्टिव कंपोनेंट इज नियरली आइडेंटिकल टू द एनालाइट एज पॉसिबल। जैसे मैंने आपको ही बताया कि जो भी हमने नॉन रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट के को जो हमने रेडियो एक्टिव को हमने जो एलिमेंट को हमने सैंपल के अंदर ऐड किया है, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सकता है हमारे सैंपल के साथ। ठीक है, दस इट इज मस्ट बिहेव आइडेंटिकली टू एनालाइट ड्यूरिंग द सेपरेशन पोर्शन टू ऑफ द एसे के। सेम का ऐड करने का मकसद क्या होता है कि ताकि जब हम सेपरेशन करें तो क्या हो सके कि दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी या आइडेंटिकली बिहेव करेंगे तो उनको हमारे लिए सेपरेट करना आसान हो जाएगा। उसके बाद हमने करना है, द एनालाइट एंड द रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स आर केमिकली सेपरेटेड एज प्योर कंपाउंड फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द सैंपल। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कोई भी एनालिटिकल का मेथड हमने यूज़ करते हुए क्या कर लेना है, एनालाइट जो था हमारा प्लस जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थी उसको हमने आर सेपरेटेड फ्रॉम द रिमाइंडर जो भी आपका मैट्रिक्स है या वो है। अब क्या होता है कि किस तरह से सेपरेट होगा, हमने क्या कहा कि हम क्या करते हैं जब हम कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल को ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, जो हमारा नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद होता है वो उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको क्या कर लेता है अपने साथ बाउंड करके उसकी क्या होगी स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ, लेट सपोज ग्राफ की हेल्प से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ पूरे के पूरे प्रोसेस को, कि जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें मेरे पास क्या है, कोई भी मेरा सैंपल है, ठीक है, ये मेरे पास ठीक है, ये कोई भी मेरे पास जो सैंपल है सैंपल के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन मौजूद है एक्स और एक्स प्राइम की। ठीक है, एक्स प्राइम ये मेरे पास क्या है, मेरा सैंपल है जिसके अंदर आइसोटॉप वन या फिर कोई भी एनालाइट हो सकता है। ठीक है, आइसोटॉप वन है ये मेरा और ये मेरा आइसोटॉप टू है जिसको मैं क्या करना चाह रही हूँ,
सेपरेट करना चाह रही हूँ अपने सैंपल के अंदर से, और ये होल मेरा क्या है, सैंपल है। अब मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, अगर मैं इसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे नॉन हो, अगर मैं इसके अंदर वो ऐड करती हूँ, तो उसकी बेस पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इवेलुएट कर सकती हूँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन को। ठहरे, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपको क्लियरली नज़र ना आए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ कि मेरे पास क्या है, कोई भी मेरा सैंपल है, ठीक है, ये मेरा सैंपल है जिसके अंदर क्या मौजूद है मेरे पास, एक मेरा कंपोनेंट है एक्स वन, एक्स के नाम से मैं इसको इंडिकेट कर रही हूँ, दूसरा जो है वो मेरे पास एक्स प्राइम है, ये मेरे पास आइसोटॉप है मेरे सैंपल के अंदर, ये आइसोटॉप वन और ये आइसोटॉप टू है जिसको मैं सेपरेट करना चाह रही हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ट्रेस अमाउंट के अंदर है, या मैं कहूँ कि ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनको मैं सेपरेट नहीं कर सकती, तो अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूँ, अपना कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐड कर दूँ जिसकी प्रॉपर्टीज़ या फिर जो केमिकल रिएक्शन उसका जो भी है या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नियरली सिमिलर हो मेरे अपने जो सैंपल के अंदर मेरे आइसोटॉप्स मौजूद हैं उनके साथ, तो मैंने अब जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, लेट्स सपोज वो मेरे पास है, ये मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट वन है और ये मेरे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू है, ठीक है, ये मेरे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट वन और ये एडिट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये मेरे पास ए वन और ये ए टू, जो ए वन और ए टू है इसको हम कह सकते हैं कि इनकी स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब ये क्या मेरे पास, मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ हम कह रहे हैं कि क्या है, हमारे सैंपल के अंदर जो एक्स प्राइम और एक्स मौजूद था उनके सैंपल के साथ जो है वो क्या है, सिमिलर है। जब अब मैंने अपने सैंपल के अंदर जब मैंने क्या किया, अपना रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को ऐड करवा दिया, तो एज अ रिजल्ट मेरे पास क्या आया, मिक्सचर एक प्रिपेयर हो गया। और उस मिक्सचर किस चीज़ का था, इन एक्स जो है, जो ए वन फर्स्ट आइसोटॉप मेरे फर्स्ट वाले आइसोटॉप के अकॉर्डिंगली जो है वो उसके साथ एक करेगा, जो मेरा सेकेंड आइसोटॉप है जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है एक्स टू के साथ, वो उसके साथ रिएक्ट करके जो है वो उसको रेडियो एक्टिव फॉर्म में ले आएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, अब टोटल जो आ जाएंगे मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इसका हाफ अगर मैं कहूँ कि ये कौन सा है, ये मेरे पास एक्स मौजूद है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ तक एक्स का पोर्शन मौजूद है और यहाँ पे ये जो है वो ए वन के साथ इसे लेबल्ड हो गया है, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसको क्या कर लिया, अपना एनालाइज अब मैं कर सकती हूँ। इसी तरह से अब ये जो मेरे पास है वो मेरे पास क्या है, यहाँ तक ये वाला मेरा एक्स प्राइम का पोर्शन जो मेरे किसके साथ लेबल्ड हो गया, ए टू के साथ। इस तरह से अब क्या हुआ कि मेरे पास ये मिक्सचर प्रिपेयर हो गया जिसके अंदर आइसोटॉप वन और आइसोटॉप टू दोनों मौजूद हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर किस किस चीज़ का था, मेरा सैंपल था जिसमें आइसोटॉप वन और आइसोटॉप टू मौजूद थे जिनको मैं एनालाइज करना चाह रही हूँ या फिर मैं सेपरेट करना चाह रही हूँ। मैंने इनके अंदर क्या किया, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिक्स किया, ए वन जो मैंने सेलेक्ट किया वो अकॉर्डिंग टू आइसोटॉप वन के सेलेक्ट किया कि उसकी प्रॉपर्टीज़ या जो भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर हों मेरे उस एनालाइट के अकॉर्डिंगली हों, और जो सेकेंड ए टू था वो मैंने एक्स वन के अकॉर्डिंगली जो है वो उसको सेलेक्ट किया। जब मैंने इसको मिक्सर किया तो ए वन जो है वो एक्स के साथ उसने उसको साथ बाइंडिंग करके उसको जो है वो अपना रेडिएटिव एलिमेंट बनाया, और जो ए टू था उसने अपने एक्स वन के साथ जो है वो बाइंडिंग करके उसको जो है वो इस तरह से मेरे पास एक मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर हो गया। अब ये क्या है, अब एक तरह से क्या हो गई, ये लेबलिंग हो गई है, आइसोटॉपिक डाइल्यूशन हो गई है, क्योंकि मैंने आइसोटॉप ऐड करके उसको क्या किया है, डाइल्यूट किया है। अब इस तरह से क्या हुआ कि मेरा ये भी जो है वो रेडियोएक्टिव हो गया, ये भी जो सैंपल था रेडियोएक्टिव हो गया। इनकी जो है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो भी हमारे पास आ जाती है, हम उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, अपने मिक्सचर के अंदर, अपना सैंपल के अंदर से क्या कर सकते हैं, हम जो नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद था या कोई भी ऐसा एनालाइट मौजूद था जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इसको जो है हम डॉपिंग द टेक्निक ऑफ पुटिंग लिटिल रेडियोएक्टिव आइसोटॉप टू नॉन रेडियोएक्टिव कंपाउंड ऑफ द सेम इज नोन एज आइसोटॉपिक डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द टेक्निक ऑफ पुटिंग the technique of putting
रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ पुटिंग लिटल रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू द नॉन रेडियो एक्टिव कंपाउंड टू द सैंपल या नॉन रेडियो एक्टिव कंपाउंड इज नॉन एज आइसोटॉपिक डाइल्यूशन. इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉपिक डाइल्यूशन कहते हैं, कि जिसमें हमने क्या किया कि जो भी हमारा कंपाउंड था अननोन था उसके अंदर हमने क्या किया, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐड करके हमने जो है उसको एनालाइज किया. और जो भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड हमारे पास आता है उसको हम लेबल्ड कंपाउंड कहते हैं. ये जो यानी कि हमारे पास आया है टैग कहते हैं या फिर ट्रेसर कह सकते हैं. अब ये जो हमारे पास आया ना कंपाउंड जो कि क्या हो गया, लेबल्ड हो गया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, लेबल्ड कहते हैं, लेबल्ड या फिर हम टैग्ड या फिर हम क्या कह सकते हैं इनको, ट्रेसर जो है वो कहते हैं. कि क्या हो गए हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने इनके साथ बाइंडिंग करके जो है वो इनको रेडियो एक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, इसीलिए हम इसको लेबल, टैग या फिर ट्रेसर कंपाउंड कह सकते हैं. लाइक दैट अगर मैं कह देती हूँ कि मेरे पास जो है वो कोई भी सैंपल है लेड सल्फेट का है, अगर मैं उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव लिटिल क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव लेड रेडॉन इज मिक्स विद द लार्जर क्वांटिटी ऑफ लेड सल्फेट, इट इज़ नॉन एज आइसोटॉपिक डायल्यूशन. नाउ लेड सल्फेट विच इज़ अपेरेंट इज़ नॉन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा कोई भी अगर सैंपल होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन हमारे एनालाइट की कम थी, हमने उसको क्या किया कि उसको हमने रेडियो एक्टिव बनाया. कैसे रेडियो एक्टिव बनाया, कि हमने उसके अंदर कोई भी नॉन अमाउंट जो है वो ऐड करके हमने क्या किया, उसको जो है वो रेडियो एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया. और उसके बाद जो भी हमारा सैंपल था जो रेडियो एक्टिव था उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी की बेस पे हमने क्या किया, उसको एनालाइज कर लिया. किस तरह से हम अपने जो एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका मैं फार्मूला आपको बताती हूँ कि क्या होता है. फॉर DIDA यानी कि डायरेक्ट इन आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस स्पेसिफिक एक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ द एक्टिविटी टू यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फॉर इंस्टेंस फॉर द रेडियो एक्टिव कंपोनेंट. अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अब हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेशन आ गई है तो हमने क्या करना है कि किस तरह से फाइंड आउट करनी है कि कितने कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास मौजूद है. उसके लिए हम एक फार्मूला सिंपल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेज हैं उनकी हम अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि हम कौन सा मेथड डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट आइसोटॉपिक डायल्यूशन का, तो पहले हम डायरेक्ट आइसोटॉपिक डायल्यूशन के अंदर देखेंगे कि क्या होता है. ठीक है, डायरेक्ट आइसोटॉपिक डायल्यूशन एनालिसिस हमने स्टार्ट किया हुआ, तो हम उसमें देखें कि हमने फाइंड आउट क्या करना है. जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है एस इंटू ए एस इज इक्वल टू AS over M. और अगर हम इसी फार्मूले को रीअरेंज करें तो हमारे पास, अगर मैं AS को इस साइड पे रखती हूँ तो हमारे पास क्या हो बन जाता है, M S A S M उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, S A S मल्टीप्लाई बाय M स्टार. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एस ए एस स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव कंपोनेंट. जो हमारे पास एस ए एस है वो क्या है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव कंपोनेंट, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव कंपोनेंट. ठीक है, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट की स्पेसिफिक एक्टिविटी है, ए एस जो है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है. ये स्पेसिफिक एक्टिविटी हो गई, ये हमारे पास सिंपल एक्टिविटी हो गई, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ठीक है, और एम जो है वो बेसिकली मास ऑफ द रेडी एम डॉट मिक्सचर, एम जो है वो क्या है, मास ऑफ द रेडियो एक्टिव कंपोनेंट जो कि हमने ऐड किया. ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या देखेंगे, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव कंपोनेंट की देखी, अब हम देखेंगे स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर प्लस एनालाइट के अकॉर्डिंगली. ठीक है, सिमिलरली द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द सेपरेटेड मिक्सचर ऑफ द रेडियो एक्टिव कंपोनेंट एंड द एनालाइट. नेक्स्ट जो ये हमारी हो गई स्पेसिफिक एक्टिविटी मिक्सचर, जो हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट किया ऐड किया, इसी तरह से अब हम करेंगे फॉर मिक्सचर के लिए,
मिक्सर के लिए हम लिखेंगे क्या है हमारे पास, एस ए एम, एस ए एम, ठीक है, इज इक्वल टू ए एम ओवर, इसको अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, ठीक है, एस ए एम, ए एम ओवर एम प्लस एम एम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक, ए एम क्या है, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर, एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर ठीक है, और एम एम क्या है बेसिकली हमारे पास क्या है, मास ऑफ द मिक्सचर, ये क्या है हमारे पास, मास ऑफ द मिक्सचर, जिसके अंदर हमारे एनालाइट का मास भी है प्लस हमारे रेडियोएक्टिव एनालाइट, मास ऑफ द मिक्सचर, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं इसी को अरेंज करूं तो हमारे पास क्या बनेगा, ए एम मिक्सचर एक्टिविटी इज इक्वल टू एस ए एम मल्टीप्लाई बाय एम एम, ठीक है, ये बनता है, ये वाला एक्सप्रेशन बनता है। और क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है वो एम एम जो है वो किसका है, मिक्सचर प्लस एनालाइट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, ये हमारे मास ऑफ एनालाइट प्लस मास ऑफ द एनालाइट प्लस मास ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, ये हमारा मिक्सचर का मास आ गया, और ये जो हमारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट था हमने उसको ऐड किया, ठीक है, तो ये नॉन रेडियोएक्टिव और प्लस रेडियोएक्टिव दोनों का मास को अगर मैं ऐड अप करूँ तो मेरे पास एम प्लस एम आ जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि जितना हमने रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऐड किया, द नंबर ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड इन द प्योर रेडियोएक्टिव कंपोनेंट इज आइडेंटिकल टू द नंबर इन द मिक्सचर, कॉन्सिक्वेंटली द एक्टिविटी ऑफ प्योर रेडियोएक्टिव एंड द एक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी आइडेंटिकल। हमने क्या कहा कि जो एक्टिविटी है प्योर की और हमारे पास जो मिक्सचर रेडियोएक्टिव एलिमेंट आया उनकी एक्टिविटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए, एक्टिविटी बोथ मिक्सचर प्लस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड मस्ट बी इक्वल, अगर हम उसको इक्वल करते हैं, क्योंकि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड की कंसंट्रेशन तो हमारी उसकी तो चेंज नहीं हुई, ठीक है, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, ए एस इज इक्वल टू ए एम, ए एस इज इक्वल टू ए एम, अगर मैं यहाँ पे ए एम की और ए एस की वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो है एस ए एस इज इक्वल टू इंटू एम इज इक्वल टू एस ए एम इंटू एम प्लस एम स्टार बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से जो मास जो कि मैं अपने एनालाइट का फाइंड आउट करना चाह रही हूँ उसको मैं एक साइड पे रखती हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं रीअरेंज करती हूँ तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा एम इज इक्वल टू एम स्टार इंटू एस ए एस माइनस एस ए एम ओवर एस ए एम, एस ए एम ओवर एस ए एम, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन आएगी उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी हमारा गिवन सैंपल था उसके अंदर जो है वो एनालाइट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ये चीज़ बेसिकली हमें क्या देगी, मास ऑफ द एनालाइट ले देगी, उस सैंपल का मास हमें देगी या उस एनालाइट का मास हमें देगी जो क्या था हमारे सैंपल के अंदर मौजूद था, जिसको हमने फाइंड आउट करने के लिए उसके अंदर हमने क्या किया, कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऐड किया, द
जब हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऐड किया तो उसकी वजह से क्या हुई कि वो जो था हमारा कंपाउंड, जो अननोन कंपाउंड था, वो लेबल्ड हो गया। और लेबल्ड होने के बाद हमने क्या किया, उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी को कैलकुलेट किया। स्पेसिफिक एक्टिविटी को हमने किसके हेल्प से कैलकुलेट किया, जो भी हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड था उसके लिए हमने एक्सप्रेशन देखे, उसके फार्मूले को रियलाइज किया। तो हमारे पास यहाँ पे अब देखें, हमें मास ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाइड के मौजूद है, हमें एक्टिविटी ऑफ द अपना जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड ऐड है उसका पता है, हमें जो मिक्सर की रेडियो एक्टिविटी आएगी, हमारे पास स्पेसिफिक एक्टिविटी आएगी वो पता है, हमारे पास जो है वो जो हमारा न्यूक्लियाइड है उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी को पता है। हम इन सारे एक्सप्रेशंस को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे सैंपल के अंदर एनालाइट का मास मौजूद है, हम उसको जो है वो इस मेथड के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसकी सेकेंड टाइप होती है वो होती है इनवर्स आइसोटॉपिक डाइल्यूशन। इनवर्स आइसोटॉपिक डाइल्यूशन इसका रिवर्स होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि अगर हमारा कोई भी ऐसा वो है सैंपल है जिसके अंदर हम कहते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड मौजूद है और उसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वो कितनी अमाउंट के अंदर मौजूद है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर हम कोई भी नॉन रेडियो एक्टिव एनालाइट ऐड करते हैं। रेडियो एक्टिव एनालाइट जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव एनालाइट के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, एक डिटेक्टेबल पोर्शन में आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके स्पेसिफिक एक्टिविटी की बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस विच रिलाय अपॉन एडिशन ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड टू द रेडियो एक्टिव एनालाइट टू बी क्वांटिफाइड ऑफ द सेम एलिमेंट इज इनवर्स आइसोटॉप डायल्यूशन एनालिसिस। इनवर्स आइसोटॉप डायल्यूशन एनालिसिस इज यूज टू डिटरमिन द मास ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड आफ्टर डायल्यूशन विद अ नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड ऑफ द सेम एलिमेंट। इसमें हम क्या करते थे, एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारा मौजूद था सैंपल में और हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐड करते थे, और इस प्रोसेस में जो हम इन्वर्स आइसोटॉप डाइल्यूशन है वो उसका इन्वर्स होगा कि हमारा जो सैंपल होगा वो रेडियो एक्टिव होगा, उसके अंदर हम कोई भी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐड करके फिर हम क्या करेंगे, अपना जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितना सैंपल के अंदर मौजूद है उसको हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ आईडी इनवर्स आइसोटॉप डाइल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ द डीआईडीए। सेम इसी तरह से हम यही मेथड यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमारा सैंपल के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप मौजूद था हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने जो है वो आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस देखा, जिसके अंदर हमने कहा कि हम कोई भी आइसोटॉप को ऐड करके आइसोटॉप की जरिए डाइल्यूशन करके अपना सैंपल के अंदर जो भी हमारा एनालाइट मौजूद होता है हम उसको डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।